दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे प्राणी के बारे में जो अपनी सुंदरता और मासूमियत से लोगों को अपने आकर्षित करता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे रेड पांडा के बारे में। रेड पांडा जिसे लेसर पांडा, कैट बेयर, हिमालयन रकून और फॉक्स बेयर के नाम से भी पहचाना जाता है और रेड पांडा ज्यादातर नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना और म्यांमार के यहाँ पर पाया जाता है और रेड पांडा ज्यादातर माउंटेन फॉरेस्ट के यहाँ पर रहते हैं। और पूरी दुनिया में रेड पांडा की दो प्रकार की उप प्रजाति पाई जाती है, वेस्टर्न रेड पांडा और स्टैंस रेड पांडा। रेड पांडा एक सर्वाहारी प्राणी है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं और रेड पांडा ज्यादातर बैम्बूस को कंज्यूम करते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स, रूट्स, एग्स और स्मॉल मैमल्स को कंज्यूम करते हैं। रेड पांडा पूरे दिन में तकरीबन 1 से लेकर 2 किलोग्राम का खाना कंज्यूम करते हैं और ऐसा बताया गया है कि फीमेल रेड पांडा तकरीबन पूरे दिन में 20,000 से भी ज्यादा बैम्बूस को कंज्यूम करते हैं। जंगलों में रेड पांडा का शिकार ज्यादातर लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स और ह्यूमंस करते हैं और रेड पांडा अपने जीवन ज्यादातर झाड़ों पर ही बिताते हैं और रेड पांडा को एक सॉलिटरी एनिमल माना गया है जो अपना जीवन ज्यादातर अकेले ही बिताते हैं। सिर्फ मेटिंग के समय पे रेड पांडा एक ग्रुप में आ जाते हैं। रेड पांडा को एक डायर्नल एनिमल माना गया है जो दिन में एक्टिव रहते हैं और रात को सोते हैं। रेड पांडा को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक कुवीर ने जो एक फ्रेंच जूलॉजिस्ट है 1825 में, जायंट पांडा के डिस्कवर करने के 48 ईयर पहले। और इंसान रेड पांडा का शिकार ज्यादातर उसके फर के लिए करते हैं। रेड पांडा ज्यादातर मेटिंग गर्मियों के सीजन में करते हैं और फीमेल रेड पांडा इसका प्रेगनेंसी पीरियड तकरीबन 4 से लेकर 5 महीने का होता है और ठीक 4 से 5 महीने के बाद वो तकरीबन 1 से लेकर 4 बेबी कप्स को जन्म देती है और उन कप्स को मैच्योर होने के लिए तकरीबन 18 से लेकर 20 महीना लगता है। एक एवरेज रेड पांडा की लंबाई तकरीबन 20 से लेकर 28 इंचेस की होती है और उसके टेल की लंबाई तकरीबन 10 से लेकर 20 इंचेस की होती है और वेट तकरीबन 4 से लेकर 9 किलोग्राम का होता है और रेड पांडा का पर ईयर का रेंट तकरीबन $1 मिलियन बताया गया है और वैज्ञानिकों का माना गया है कि रेड पांडा सिर्फ 7 से 8 साल तक ही जी सकते हैं लेकिन अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो 14 साल से भी अधिक जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।